अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। चालीसा बांट रहे हैं, ये कितने के हनुमान चालीसा बांटने का लक्ष्य लिया आपने? ये 501 बांटने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मैं महापौर विनोदनी रमेश जी, आज हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में हम बांट रहे हैं। हम युवाओं को ये प्रेरणा देना चाहते हैं कि संकट कटे मिटे पर हर पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी ऐसे भगवान है जो हर प्रकार का संकट हर लेते हैं। इस उपलक्ष्य में 501 बांट रहे हैं। आपका नाम? मैं विनोदनी रमेश व्यास। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में आप ये हनुमान चालीसा बांट रहे हैं, कितनी क्या हनुमान चालीसा बांटने का लक्ष्य आपने? देखिए, प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी हमारे महापौर चुनाव लड़ी भाभी विनोदनी व्यास जी के नेतृत्व में हम लोग हमेशा हनुमान चालीसा का वितरण करते हैं। आज हनुमान जयंती है, बाबा के श्री चरणों में भेंट रखकर ये हमने शुरुआत की है। 501 हनुमान चालीसों का वितरण आम जनता में करते हैं। निश्चित रूप से हमारे भगवान सबके रक्षक हैं और हनुमान चालीसा इसलिए वितरित करते हैं कि नए युवाओं में यह संदेश जाए कि हनुमान चालीसा का पाठ आवश्यक रूप से करना चाहिए, क्योंकि संकट मिटे मिटे हर पीरा लिखो कहा जाता है कि संकट के सारे हरण करने वाले देवता हनुमान है। तो उस हनुमान इस देवता के चरणों में जब आज हमने अपना माथा टिकाया है और भाभी के नेतृत्व में आज हमने ये हनुमान चालीसा का वितरण किया है। आपका नाम?
मनोज राजानी, जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष देवास। जो है भगवान खेड़ावती सरकार का प्रकट उत्सव मनाया जा रहा है, क्या क्या किस प्रकार का आयोजन हो रहा है? सुबह प्रातः महाआरती हुई, प्रातः 6 बजे जन्म हुआ, उसके पहले चूल्हा चढ़ चुका था, उसके बाद आरती हुई, तत्पश्चात सब आरती में शामिल हुए काफ़ी लोग, तत्पश्चात प्रसाद वितरण हो रहा है, नुक्ति का दिन भर भंडारा नुक्ति का चलेगा आज। आपका नाम बताइए। मेरा नाम लीलाधर उपाध्याय, पंडित लीलाधर उपाध्याय, खेड़ापति मंदिर देवास।